नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हम अपने मिर्च के पौधे से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च प्राप्त करें, क्या केयर करें, कैसे हम सीडलिंग से लेके उसकी मिर्च की हार्वेस्टिंग तक कौन सी कंपोस्ट दें, कैसे वाटरिंग करें, कैसे उसकी मिट्टी तैयार करें, पूरी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का विषय, मिर्च के पौधे की केयर, प्लांटिंग कैसे करें। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों कि जब हमें मिर्च लगानी होती है तो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें मिर्च के पौध किसी नर्सरी से अगर हम ले आ रहे हैं तो हमें अच्छी वैरायटी की मिर्च की पौध लानी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी वैरायटी की मिर्च की पौध लगाएंगे तभी हम उसमें केयर करने के बाद अच्छी मिर्च ले सकते हैं। और अगर हम सीड से उगा रहे हैं तो हमें सीड्स अच्छी वैरायटी की लेनी चाहिए, क्योंकि हमें चूंकि गमलों में ग्रोवैक्स में मिर्च लगानी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है, कम मिट्टी में हमें मिर्च ग्रो करते हैं हम, तो इसलिए हमें अच्छे पौध की आवश्यकता होती है पहली चीज़। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारा पौध तो आ गया, सीडलिंग्स आ गई, उससे हमें हमने पौध बना लिया। जब पौध को हमें बड़े ग्रोवैग में ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें फिर उसके लिए मिट्टी चाहिए होती है। तो मिट्टी हमारी मिर्च के पौधे के लिए कैसी हो, चूँकि हम पॉट्स में ग्रो बैग्स में लगा रहे हैं तो हमें मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिकली रिच न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी हमें चाहिए, चूँकि हम अपने परिवार के लिए स्वयं के लिए लगा रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ होनी चाहिए, ना कि केमिकली ट्रीटेड होनी चाहिए। तो दोस्तों हमें मिट्टी बनाने के लिए, अच्छी मिट्टी बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, गार्डन सॉइल तो हमें लेना ही लेना है, 50% गार्डन सॉइल। देखिए आप मेरी मिट्टी देख सकते हैं, आपको दिखाऊं, 50% गार्डन सॉयल, बाकी 50% में आप काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, किचन वेस्ट जो आप कंपोस्ट बनाते हैं उसको, और कोकोपीट, इन कंपोस्ट कोई भी एक कंपोस्ट और कोकोपीट 50% मिक्स करके 50% सॉयल के साथ, गार्डन सॉयल के साथ उसे मिक्स कर देना चाहिए। थोड़ा सा एक मुट्ठी बोन मिल पाउडर, एक मुट्ठी नीम खली मिला के हमें मिट्टी तैयार करनी है। अब मिट्टी तैयार कर लिया हमने, पौध को उसमें लगा लिया, पौधा हमारा जब लग जाता है, चलने लगता है, तो हमें 15-20 दिन के अंतराल पे, क्योंकि हमारा मिर्च का पौधा 2 से 2.5 महीने में फूल दे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको मिर्च के पौधे में 15 से 20 दिन के अंतराल पे, देखिए 15 से 20 दिन के अंतराल पे आपको इसमें कंपोस्ट देते रहना चाहिए। अब कंपोस्ट आपको कौन सी देनी है वो आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दोस्तों मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो कि आपके लिए मिलना मुश्किल हो, आपको मिले ना, जो चीज़ आपको ईजिली मिल जाए मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा सर। तो आपको काउडंग कंपोस्ट सूखी हुई ईजली मिल जाएगी, और अगर काउडंग कंपोस्ट नहीं मिलती है तो आपका किचन वेस्ट से आप कंपोस्ट तैयार करके वो यूज कीजिए, या वर्मी कंपोस्ट आप कहीं से भी ले लीजिए। तो एक मुट्ठी आपको अपने ग्रोबैग की मिट्टी में इस प्रकार, इसको हमें डायरेक्ट इसमें नहीं डाल देना है दोस्तों, इसको हमें हल्की मिट्टी ऊपर से एक परत 1 इंच की हमें हटा लेनी है, और फिर इस मिट्टी में यहाँ पर हमें कंपोस्ट डालना है, और डालने के बाद दोबारा से उसे हमें मिट्टी से दोबारा ढक देना है। ढकने के बाद फिर हमें इसमें वाटरिंग कर देनी चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, जब हम कंपोस्ट को ऊपर डाल देते हैं तो वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, और जब हमने मिट्टी हटा के डाली है तो दोस्तों पौधे जब भी अपने लिए भोजन बनाते हैं तो ना कि मेन रूट से, यहाँ से नहीं बनाते दोस्तों, जो रूट्स इसकी साइड में होती हैं वहाँ इसके वहाँ से ही अपने भोजन को लेते हैं। देखिए जैसे ये रूट है तो ये अपना भोजन यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से लेते हैं, वहीं से भोजन बनाने का काम करते हैं।
इसलिए हमें बीज पौधे की मेन जड़ पे स्टेम पे कुछ नहीं करना है, साइड साइड से हमें मिट्टी हटा के वहाँ हमें कंपोस्ट अपना डाल के और फिर वाटरिंग कर देनी है। इसके अलावा दोस्तों 15 दिन 20 दिन के अंतराल पे हमें नीम ऑयल का अपने मिर्च के पौधों पे स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे मिर्च के पौधे पे कोई भी कीड़े मकोड़े या फिर कोई रोग हो तो वो प्रिवेंशन के तौर पे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों मिर्च के पौधे में एक और समस्या आती है, ये मरोड़िए रोग की, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे इस पत्ते को, तो मिर्च के पौधे की ये कॉमन डिजीज़ है। तो जब आपके मिर्च के पौधे पे ऐसा कोई डिजीज़ दिखने लग जाए, मरोड़िया या फिर कुछ भी, तो आप इसे वाटर से सॉरिंग कर दीजिए। सॉरिंग कर देने से आपके मिर्च के पौधे की डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। अब जो सबसे मेन हिस्सा है दोस्तों, कि हम मिर्च का पौधा लगा लिए, उसमें कम मिट्टी तैयार कर दी, मिर्च के पौधे को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, अब कंपोस्टिंग भी कर दी, नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दिया, अब हमें मिर्च के पौधे में वाटरिंग करनी है। तो वाटरिंग दोस्तों सबसे मेन काम होता है पौधों के लिए। वाटरिंग कैसे करनी है, हमें मिट्टी हमारी चेक करते रहना चाहिए। जब हमारी मिट्टी यूं हमने उठाया, अब देखिए इसको हाथ से मसला, अगर हाथ में मिट्टी रह जाती है तो मॉइस्चर मिट्टी में है, अभी हमें इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। जब हम इसको खोद के मिट्टी को देख लेंगे, 1 इंच से 1.5 इंच तक मिट्टी हमारी पूरी तरह से ड्राई हो, तभी हमें इसमें वाटरिंग करनी है। और दोस्तों जब आपके मिर्च के पौधे में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको वाटरिंग कम कर देनी है। अगर आप वाटर देते रहेंगे लगातार, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम ग्रो बैग्स में लगाए हैं, जब भी आते हैं अपने टेरेस पे तो पानी डाल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। वाटरिंग करते रहने से हमारे पौधे तो बहुत बूसी होंगे, हरे भरे रहेंगे, पर इसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो झड़ जाएंगे, वो फ्रूट्स में तब्दील नहीं होंगे। तो इसमें वाटरिंग के खास ख्याल रखना है आपको, कि जब आपके मिर्च बनने लग जाएं तो आपको वाटरिंग कम कर देनी है। अब ऐसा नहीं कर देना है कि मिर्च का पौधा सूख जाए, नहीं, आपको जब यूं आपको मिट्टी ड्राई है चेक करते रहना चाहिए। आपने यूं खोद लिया, 2 इंच तक मिट्टी आपकी अगर ड्राई मिल रही है तो ही आप वाटरिंग करें। तो इस प्रकार से आप अगर अपने मिर्च के पौधे की केयर करेंगे तो ढेर सारा फ्रूट्स, ढेर सारी मिर्च आप अपने पौधे पे देखिए, मेरे पे लगी हुई है मिर्च, बहुत सारी मिर्च लगी हुई है। और इसके अलावा जब आपकी मिर्च हार्वेस्ट के लायक हो जाए, मिर्च मैच्योर हो जाए, तो उसे हार्वेस्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मिर्च को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो अगला फ्रूट नहीं बनेगा। इसलिए हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होता है आपके प्लांट से, आपके फ्रूट्स को। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।